चलिए तीसरा अगली डिजाइन पर बात करते हैं। अगली डिजाइन हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। ये डिजाइन पहले देख लीजिए, देखिए एकदम जैसे सम चतुर्भुज आपने देखा था रोम्बस, एकदम वही हिसाब इसका भी है। एक आयत रहा होगा, तार का एक आयत बना रहा होगा और कोई आदमी पैदल आ रहा होगा, गलती से उसका पैर पड़ गया और ये चपटा हो गया, बस यही बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। इसे हम यहाँ आधार कहेंगे। आप पूछ सकते कि भैया यहाँ लंबाई चौड़ाई कहाँ चली गई? दरअसल बताऊँ, लंबाई और चौड़ाई का कॉन्सेप्ट केवल 90 डिग्री काम करता है। बस फिर से सुनिएगा, लंबाई चौड़ाई का कॉन्सेप्ट केवल 90 डिग्री काम करता है। अगर यहाँ 90 डिग्री होता तो लंबाई शब्द का इस्तेमाल होता, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, इसलिए लंबाई चौड़ाई शब्द अब नहीं रहेगा, इसका नाम अब बेस हो जाएगा। और इस बेस पर सामने वाली वर्टिक्स से जो परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है, इसका नाम हो जाएगा ऊंचाई। ऊंचाई का कॉन्सेप्ट तो आप जानते होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे, तो किसी वस्तु की ऊंचाई से क्या लेना देना होता है? ऊंचाई का मतलब होता है सर्वोच्च शिखर से एक पत्थर गिराया जाए और वो पत्थर जिस बिंदु पर पथ बनाते हुए जमीन पर टच कर जाए, वही उसकी लंबाई ऊंचाई मानी जाती है। ऊंचाई का मतलब ये ऊंचाई कतई नहीं हो सकती है। जैसे पीसा की मीनार झुक गई है, आप लोग जानते होंगे पीसा की मीनार झुकी हुई है, तो मान लीजिए पीसा की मीनार पहले इतना ऊंचा रही होगी, अब पीसा की मीनार ऐसे हो गई, तो इसकी ऊंचाई घट गई है, क्योंकि अब इसकी ऊंचाई ये नहीं है बल्कि ये है। पीसा की मीनार की ऊंचाई अब ये रही, पहले ऊंचाई ये हुआ करती थी, लेकिन जब झुक गई है तो अब ये ऊंचाई बन गई है, कम हो गई ऊंचाई। तो ये आधार हो गया और ये ऊंचाई, इसको हम एच भी कह सकते हैं। चलिए पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लिया जाए। प्रॉपर्टी क्या है? सम्मुख भुजा बराबर तथा समांतर होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। सम्मुख कोण बराबर दोनों विकर्ण एक दूसरे का अर्धक करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे का अर्धक करते हैं। तो चलिए अब देखा जाए इस डिजाइन में हम लोग क्या कर सकते हैं। पहले फार्मूला बनाते हैं। अब देखिए, जो अभी हाल ही थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जो इसका परिमाप होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है, सभी भुजाओं का योग, क्योंकि यहाँ लंबाई चौड़ाई शब्द इस्तेमाल हम कर नहीं सकते। अब एक बार आधार, फिर ये भुजा, फिर वो भुजा लिखने से बेहतर होगा कि आप ये जान जाइए कि सम ऑफ ऑल साइड, आप परिमाप में लिखना शुरू कर सकते हैं। परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग सम ऑफ ऑल साइड। क्षेत्रफल में चलेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाएगा आधार गुणा ऊंचाई बेस इनटू हाइट। तो ये आ जाएगा एरिया। अभी आने वाले समय में जब हम ट्रायंगल पर बात करेंगे तो हम इसे मिला देंगे और तब ये दो ट्रायंगल बन जाएगा, और उसमें हम लोग हीरोज फार्मूला देखेंगे ट्रायंगल का। तो अगर उसमें ये तीनों साइड्स दे रखी होगी तो इन तीनों साइड से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे, और इस क्षेत्रफल का त्रिभुज जब निकल जाएगा तो उसका दोगुना कर देंगे, फिर पूरी डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक रास्ता उधर से भी मिल जाएगा। दरअसल बहुत रास्ते हैं इसके क्षेत्रफल में। आप वो जो थाइन थीटा वाला मामला था वो अभी जारी रहेगा। क्षेत्रफल में जो थीटा वाला फार्मूला है वो हरदम जारी रहेगा। अगर ये थीटा दे दिया जाए और मान लीजिए इस भुजा को ए समझा जाए, इस भुजा को बी समझा जाए, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। मतलब यह एक जनरल फार्मूला है जो सभी सवालों में लगता रहेगा। एक सवाल ले लिया जाए।
एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। बड़ी भुजा, बड़ी भुजा के बीच की दूरी, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। सब कुछ बताइए। देखिए, मैंने सवाल लिया, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। सब कुछ बताइए। एक डिजाइन बना लीजिए। डिजाइन बना करके देखिए, अगर इस डिजाइन पर हम बात करें तो ये 18 सेंटीमीटर ये होगा और ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और अब ये 18 है तो ये भी 18 हो जाएगा, ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। और एक बात बोला गया कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी, बड़ी भुजाएं तो यही दोनों हैं, इनके बीच की दूरी ये है, यानी जो इसकी ऊंचाई कहलाएगी वह है 12 सेंटीमीटर। बताइए क्या परिमाप निकलेगा? परिमाप निकलेगा सभी भुजाओं का योग। ध्यान रखना होगा, भुजाएं मतलब क्या होता, आउटर सरफेस ऑफ द डिजाइन। इंटरनल में नहीं जाना है कि ये भी भुजा गिन लेंगे आप, ये नहीं भुजा है। भुजा हमेशा बाहर की साइड का होता है, आउटर कवरिंग जो होती है। तो आप देखेंगे 18 प्लस 15 प्लस फिर 18 प्लस फिर 15। अगर आप ध्यान से देखें तो आयत का ही फार्मूला यहाँ जरूर है, लेकिन तब भी हम 2l प्लस b नहीं लिख सकते, लिख नहीं सकते। आप समझ लीजिए अंदर अंदर, लेकिन लिख नहीं सकते, क्योंकि बीच में 90 डिग्री नहीं है, इसलिए हम वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, 2 ब्रैकेट में l प्लस b वाला। बाकी मैं कर तो वही रहा हूँ, लेकिन वो फार्मूला आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ध्यान रखना होगा, आपको प्रॉपर वे ऑफ थिंकिंग और प्रॉपर वे ऑफ एक्शन, ये ज़रूरी होता है मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। इससे आपको रफ्तार मिल सकती है। तो चलिए, 18, 18, 36, 15, 15, 30, 36, 36, 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। अब हम क्षेत्रफल पर बात करेंगे। तो क्षेत्रफल बात करेंगे, आधार गुणा ऊंचाई, आधार 18 है, ऊंचाई 12 है, 18 गुणे 12, 12 अठे 96, 9 12 के 12, 9 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहा आपका परिमाप, अरे क्षेत्रफल। कोई समस्या? तो ये है सवाल, काफ़ी मज़ेदार है। अगर ध्यान रखना होगा, अगर हमको इसमें ये बता दिया जाता कि क्षेत्रफल ये मतलब कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कुछ है, तब हम इसको बेस और इसको ऊंचाई तब मानने लगते। मतलब इसके लिए ज़रूरी नहीं कि बेस माने जो जमीन की तरफ बना हो उसे बेस कहते हैं, ये परिभाषा नहीं है इसका। जिसके सापेक्ष इसका ऊंचाई दिया जाए उसे बेस कहा जाता, ठीक है। नहीं तो डिजाइन टूल उल्टा कर ले, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अभी तो हम लोग इसको सवाल लेंगे, आगे आपके किताबों में ढेर सारे सवाल बने होंगे, इस पर सवाल पूछे बहुत गए। एक चीज़ आपको बता दें, जितनी वर्दी वाली नौकरियां होती हैं, ध्यान रखिए, वर्दी वाली नौकरी कहाँ कहाँ मिलेगी, सिपाही से स्टार्ट करें, सिपाही मिलेगी, दरोगा मिलेगी, पीसीएस के थ्रू जो आप उसके बाद में बनते हैं, जो ये डिप्टी एसपी बनते, और फिर आईपीएस, और मतलब जितनी भी वर्दी वाली नौकरियां हैं, सीपीएफ एक सर्विस मिलती है संघ लोक सेवा आयोग से, सेंट्रल पुलिस फोर्स में, उन सब में मेंसुरेशन को ज़बरदस्त महत्व दिया जाता है। अगर आप वर्दी वाली कोई नौकरी तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें मेंसुरेशन पर ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए। और इसके अलावा टेक्निकल नौकरियां जितनी पाई जाती हैं, जैसे रेलवे में जो टेक्निकल नौकरियां होती हैं, उन सब में मेंसुरेशन के ज़बरदस्त सवाल बनते हैं। सीजीएल जो टीयर 2 होता है, ज़बरदस्त मेंसुरेशन के सवाल बनते हैं। यानी इन सब को अगर आपको फाइट करना है तो मेंसुरेशन पर बेहतर पकड़ बनानी पड़ेगी। तो आप पहले बेसिक बातें जानें और फिर अभ्यास करें। एक एक डिजाइन पर आपको 10-10, 15-15 सवाल ढूंढ के लगाने हैं। एक एक डिजाइन पर अगर 20-25 कर पाएँ तो और बेहतर है।
चलिए अगली डिजाइन है समलंब चतुर्भुज। ट्रेपीजियम कहा जाता है। डिजाइन देख लीजिए, ये डिजाइन ट्रेपीजियम। जब आप जिंदगी में कोई महान काम कर देंगे तो किसी शहर के चौराहे पर एक ऐसे बेस बनाया जाएगा, उस बेस पर आपकी मूर्ति लग जाएगी और उसकी मूर्ति के ऊपर कौआ बैठेगा। हालांकि जो अभी यूनिटी वाला मूर्ति बनी है बहुत सरदार पटेल जी की, उतनी ऊंचाई पर कौआ नहीं जाएगा, बहुत ऊंचाई हो गई है। अभी तो एक अमेरिका ने एक चित्र जारी किया है जो नासा उसने लिया अंतरिक्ष से, अंतरिक्ष साफ साफ दिख रही है। अंतरिक्ष से कुछ ही डिजाइन दिखती है धरती की, जैसे गीजा का पिरामिड दिखता है, ऐसे ही आपका अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी भी दिखने लगी, एक अच्छी बात है। और उसके अंदर 135 मीटर की ऊंचाई पर जहां उनका पेट है, इस जगह पे मूर्ति में, इस जगह पे दर्शक दीर्घा बनाया गैलरी, एक गैलरी के अंदर 150 आदमी इसे टहल सकते हैं। क्या पेट होगा सोचो, कितना बड़ा पेट है कि 150 आदमी उसके अंदर टहल करके बाहर दुनिया का नज़ारा देख सकते हैं। जरूर देखना है। देखिए तो ये है, इसमें एक ही खासियत है कि ये सम्मुख भुजाएं यहाँ एक भुजा पैरेलल होती है, एक पेयर, ये नहीं पैरेलल होती। दरअसल बताऊँ ये आगे चलकर अगर आप बढ़ा दोगे आगे तो एक ट्रायंगल बन जाता है, एक ट्रायंगल का हिस्सा है ये, इसको ट्रेपेजियम शक्ल कहा जाता है। तो आइए देखा जाए इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले परिमाप, परिमाप के लिए वो डिजाइन आपकी एक ही लाइन सही है, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। क्षेत्रफल में जाइए, क्षेत्रफल में जाएंगे तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, किसको याद है भाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग अगुणा ऊंचाई। अब सवाल उठता कि फार्मूला क्यों बना, अपने मन से तो ना बना होगा, कार्य का कारण के साथ जबरदस्त संबंध होता है, कोई काम बिना मतलब का नहीं होता। आपको दिख रहा, मैं तो ज़्यादातर यहीं खड़ा रहा, कुछ कुछ समझ में आ रहा। तो देखिए क्या करते हैं, हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फार्मूला कहाँ से बना होगा। इसको बनाने के लिए चलिए कुछ लिखते हैं, ए बी सी और डी मान लीजिए लिख दिया, और इसको एक डायगोनल खींच लेते हैं कोई भी, मान लो इस डायगोनल को मैंने खींच लिया, तो आप देख रहे हैं कि यह पूरी डिजाइन दो त्रिभुज में बढ़ गई। अब दो त्रिभुज की बात करें तो अगर हम इसकी ऊंचाई करें कि ऊंचाई कितना है, तो ये ऊंचाई एच है मान लो, एच, तो ये भी तो ऊंचाई एच होगी। दो समांतर, आपको एक थ्योरम याद होगा ट्रायंगल में कि दो समांतर भुजाओं के बीच बने सभी त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है। फिर से सुनिए, दो समांतर भुजाओं के बीच बने सभी त्रिभुजों की ऊंचाई समान होती है। तो यानी जो त्रिभुज आपके सामने दिख रहे हैं बी सी, बी डी सी और ए बी सी, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई समान है, एच है। आइए देखा जाए त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल क्या जानते हैं आप, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 1/2 गुणा डी सी और गुणा एच हुआ। अब जरा ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 गुणा ए बी, आधार उसका ए बी है, ए बी डी जी बिल्कुल, आधार क्षेत्रफल 1/2 गुणा ए बी और गुणा एच। अगर इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए तो ये बताइए, दोनों त्रिभुज जोड़ेंगे तो क्या ये डिजाइन ए बी सी डी हो जाएगी, ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आप देखिए 1/2 कॉमन हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में ए बी प्लस डी सी हो जाएगा और गुणा एच हो जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, जो चीज़ आप याद किए हो अब तक वो क्यों बना है आपके सामने।
मैं यही कहना चाह रहा था, कोई फार्मूला रटने से कोई फायदा नहीं है। रटेंगे तो कितना दिन तक रट पाएंगे, थोड़ा भूल जाएगा फिर। तो आप उसको समझ लीजिए कि कोई फार्मूला बनता ही क्यों है, ये पता चल जाएगा तो फिर कभी नहीं भूलेगा। एक एग्जाम्पल लिया जाए, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, लिखने में बहुत टाइम लेगा, मैं डिजाइन के नंबर लिख दे रहा हूँ, 47 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 37 सेंटीमीटर और हाइट भी मैंने दे रखा है, इतना दे दे 32 सेंटीमीटर। ये डिजाइन है, इस डिजाइन का मैंने सब कुछ लिख रखा है। नो, इक्वल नहीं होता है, कोई गारंटी नहीं होता कि इक्वल होगा, ये इक्वल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, तो मैंने नई वाला लिखा हुआ। जल्दी से आंसर बनाएं, मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ। पहले हम परिमाप निकालते हैं, परिमाप में सभी भुजाओं का योग है, ध्यान रखना होगा भुजाएं केवल आउटर कवरिंग की भुजाओं को भुजा कहा जाता है। तो आप 47 से स्टार्ट करें, 47 प्लस 39 प्लस 25 प्लस 37 जोड़िए, 7 5 12 9 21 7 28 2 3 5 2 7 3 10 4 14 148 सेंटीमीटर परिमाप हुआ। अब क्षेत्रफल में चलिए, क्षेत्रफल में 1/2 गुणा ब्रैकेट में 47 प्लस 25, देखिए समांतर भुजाओं का योग 47 प्लस 25 और इंटू 32 चले, तो इस 1/2 से 2 से 32 को कैंसिल किया जा सकता, इसे जोड़ ले, 7 5 से 12 4 2 6 7 72 गुणा 16 16 दूना 32 3 16 7 112 3 115 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसा रहा? बहुत आराम से आप इस तरह के डिजाइन का फार्मूला निकाल सकते हैं। तमाम छोटे छोटे सवाल मिलेंगे आपको, छोटी किताबें मिल जाएंगी। कोशिश आपको ये करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन ढूंढना, मैक्सिमम प्रैक्टिस के लिए। कहीं पर भी आपने देखा होगा लिखा है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कहीं ये नहीं देखा मैंने नॉलेज मेक्स अ मैन परफेक्ट, नहीं लिखा नॉलेज मेक्स अ मैन परफेक्ट, नहीं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होता कि आप कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं।